वेल फाइनली लोके सीजन 2 का थर्ड एपिसोड हमारे सामने है और इस सिंगल एपिसोड में इतने सारे डिटेल्स और फ्यूचर रेफरेंसेस दिए गए हैं जो शायद ही आपको पिछले 2 एपिसोड में देखने को मिला होगा। और कहीं ना कहीं ये एपिसोड आने वाले एमसीयू में एक नए विलन की ओर इशारा करते हैं। वेल हेलो गाइज, मैं हूँ आकाश और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लोके एपिसोड 3 के हिडन डिटेल्स और फ्यूचर रेफरेंसेस को। सो विदाउट एनी फर्दर डिले शुरू करते हैं। लास्ट 2 एपिसोड में काफ़ी हिंट्स मिलने के बाद फाइनली रवोना रेंसेयर एपिसोड में डेब्यू करती है, जहां वह मिस मिनट के साथ 1868 में शिकागो जाती है। हालांकि मिस मिनट के कहने पर वह वहां जाती है, जिसे बाद में मिस मिनट रिवील करती है कि ये मिशन ही रिमेंस के द्वारा दिया गया है जिसे उन्हें पूरा करना है। बाद में यही क्लियर हो जाता है कि उनका मिशन है विक्टर टाइमली के चाइल्डहुड में जाकर उसे टीवी हैंडबुक देना। अगर आसान शब्दों में बोलूं तो उसका मिशन था विक्टर टाइमली को वो सब देना जो उसे कैंग द कंगर या उसका वेरिएंट बनने में मदद करे। वेल इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि रवोना सेक्रेट टाइमलाइन को रिस्टोर करने के लिए मिस मिनट के साथ मिलकर काम कर रही है। 1868 के बाद वो विक्टर टाइमली से 1893 में मिलती है, जहाँ पे वो मोस्ट ऑफ द टाइम विक्टर टाइमली का ट्रस्ट गेन करना चाहती थी, बट एट द एंड विक्टर उसे धोखा दे देता है। वेल इसके बाद रवोना रेंसेयर का एक स्टेटमेंट मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। वो कहती है, ऑल दैट मैटर्स इज ऑर्डर वर्सेस कैओस, आई एम ऑर्डर। इस स्टेटमेंट से रवोना का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर झलकता है कि ना वो सिर्फ विक्टर टाइमली को पावरफुल बनाना चाहती है बल्कि वो कुछ कंट्रोल अपने हाथों में भी गेन करना चाहती है। और शायद आपने नोटिस किया होगा कि शिकागो वेलफेयर में लोकी और मोबियस का विक्टर टाइमली से मिलने वाला इंसिडेंट हमें क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिला था, जिससे ये क्लियर हो जाता है कि लोकी के इवेंट्स क्वांटमेनिया के बाद हो रहे हैं। वेल 1893 के शिकागो वर्ल्ड फेयर में जब लोकी और मोबियस रवोना की तलाश कर रहे थे, तब उसी फेयर में उसे स्टैचू दिखता है थॉर, ऑडिन और बाल्डर द ब्रेव का। देखो, एमसीयू में बाल्डर द ब्रेव का अब तक कोई जिक्र नहीं हुआ है, पर मार्वल कॉमिक्स में बाल्डर द ब्रेव थॉर का भाई होता है और ये भविष्यवाणी की गई थी कि बाल्डर द ब्रेव की मौत के बाद रैग्नारॉक होगा, जो कि एमसीयू में ऑलरेडी हो चुका है। वेल बाल्डर द ब्रेव को एमसीयू में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में इंट्रोड्यूस किया जाने वाला था और इस कैरेक्टर को कोई और नहीं बल्कि हमारे जेम्स बॉन्ड डैनियल क्रेग पोर्ट्रेट करने वाले थे, बट समहा उनके सीन्स को मूवी से डिलीट कर दिया गया एंड सिंस अभी मल्टीवर्स है तो क्या पता एमसीयू में उनका फ्यूचर अपीयरेंस देखने को मिल जाए। वैसे एपिसोड 3 में मिस मिनट से विलन वाली वाइब आ रही थी, जहां वो ये भी कहती है कि उसे सभी के सीक्रेट्स मालूम है और वो रेनस्लेयर से रिलेटेड एक सीक्रेट का भी हिंट देती है। वैसे एपिसोड 1 में जब लोकी टाइम स्किपिंग कर रहा था तो उसने पास्ट के टीवी में एक रिकॉर्डिंग सुनी थी जो कि रेंसलेयर और ही रिमेंस के बीच की कन्वर्सेशन का था, जिसमें ही रिमेंस के सिवॉर्ड के बारे में हिंट दे रहा था। और वही बात एपिसोड 3 में मिस मिनट अपने क्रिएशन के बारे में बताते हुए किसी मल्टीवर्सल वॉर का जिक्र करती है। अब देखो, रवोना रेंसेयर की बैक स्टोरी कॉमिक्स में भी काफी कॉम्प्लेक्स है, जहां वो कोई टीवी जज नहीं बल्कि एक प्रिंसेस है जो कैंग द कंकरर की लव इंटरेस्ट भी होती है और एक डिफरेंट टाइमलाइन में रवोना की वेरिएंट कैंग के अगेंस्ट होती है। तो आप कॉमिक्स में रवोना के 2 वेरिएंट होते हैं, जो कि अभी ये क्लियर नहीं हुआ है कि लोकी सीरीज में रवोना की कौन सी वेरिएंट है। और मैं रेंसलेयर और मिस मिनट की बैक स्टोरी को डिटेल में दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा। वेल अगर वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं जल्द मिलता हूँ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए